और कैसे हो मित्रों, मजे से जिंदगी बिता रहे हो कि नहीं। ये आज मैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करूंगा जिसके लिए बत्ती बुझाना होगा और हेडफोन लगाना होगा। तो आज बात होगी कुछ ऐसे धमाकेदार वेब सीरीज की जिससे माहौल की गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं वेब सीरीज दुनिया की कमसिन हसीनाओं की कहानी सुनाता हूँ और उनके गर्मा गर्म वेब सीरीज भी दिखाता हूँ। तो अगर आप अंकिता दवे और प्राजक्ता दुसाने जैसी हुस्न की परी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा दें। लेकिन अगर आप इन वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लैला ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी लैला नाम की एक नौकरानी की है जिसकी कातिल जवानी और चाल मस्तानी देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा। लैला जिस घर में काम करती है उस घर का मकान मालिक और उसका बेटा मनु दोनों ही लैला पे फिदा हैं और इसे खोपचे में लेना चाहते हैं। लैला बड़ी दिल वाली है जो किसी को नाराज नहीं करती और बाप बेटे दोनों को जन्नत दिखाकर पैसे कमाती है। लेकिन लैला का असली काम इन दोनों के रंगारंग कार्यक्रम का वीडियो बनाना और ब्लैकमेल करके ढेर सारा पैसा कमाना है। इस वेब सीरीज में लैला बनकर अपने मालिक को चूना लगा रही है एकता मोरे। स्ट्रेंजर ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी सिमरन नाम की एक महिला की है जिसकी शादी विनय नाम के आदमी से हो जाती है। सिमरन एकदम तबाड़तोड़ और बेजोड़ सुहाग रात मनाना चाहती है लेकिन इसका पति रोमांस की गाड़ी धीरे धीरे चलाना चाहता है। सिमरन इतनी कमीनी है कि इसके मन में दिन रात खाली उठा पटक और चादर में गद्दर मचाने के सपने चलते रहते हैं। लेकिन जब सिमरन को अपने पति से प्यार नहीं मिलता है तो सिमरन अपनी वाइल्ड फैंटेसी बाहर जाकर पूरा करने लगती है। तो सिमरन किसके साथ और किस किस तरह से तबाही मचाती है ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। रसीली ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी मोहित नाम के आदमी की है जो शादी के बाद भी अपनी पत्नी विमला के साथ कुछ नहीं कर पा रहा है। दरअसल विमला का व्रत चल रहा है इसलिए विमला अपने पति को पास आने और पलंग हिलाने नहीं देती है। मोहित के गांव में बिंदिया नाम की एक नई नवेली दुल्हन आती है जिसे गाँव के सभी लोग खोपचे में लेना चाहते हैं। बिंदिया भी अपने हुस्न का फायदा उठाती है और गाँव वालों के साथ चादर में गदर मचाकर पैसा कमाती है। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब बिंदिया अपने हुस्न का जादू चलाकर एक अमीर आदमी को लूट लेती है। इस वेब सीरीज में बिंदिया बनकर तबाही मचा रही है अंकिता सिंह। जाने अनजाने में सीजन 6 ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी चांदनी नाम की एक महिला की है जिसकी गदराई जवानी और होठों के पानी का स्वाद हर कोई लेना चाहता है। चांदनी जैसी मालदार बीवी होने के बावजूद भी चांदनी का पति इसे वो खुशी नहीं दे पाता है जो चांदनी को चाहिए होता है। चांदनी इतनी कमसिन हसीना है कि इसे खोपचे में लेने के लिए चांदनी के जेठ और नौकर दोनों पलंग बिछाए रहते हैं। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब चांदनी का जेठ नींद की बीमारी का बहाना बनाकर चांदनी के साथ कांड कर देता है। तो चांदनी खाली अपने जेठ के साथ गुलछर्रे उड़ाती है या फिर नौकर के साथ भी पलंग हिलाती है ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। लव गुरु ये साल 2022 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी मोहन बाबू नाम के एक बुढ़े की है जो अपनी पड़ोसन सोनाली पे फिदा और इसे खोपचे में लेना चाहता है। मोहन बाबू अपनी पड़ोसन को पाने के लिए और इनके साथ रात बिताने के लिए हर संभव कोशिश करता है। अंत में मोहन बाबू को लव गुरु का नंबर मिलता है जो लड़की पटाने का और पलंग हिलाने का तरीका बताता है। लव गुरु मोहन बाबू को समझाता है कि आपकी उम्र हो चुकी है इसलिए आपको पलंग तोड़कर ख्वाब छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब मोहन बाबू नहीं मानते हैं तो लव गुरु की कृपा से सोनाली इनके पास ही आती है और इन्हें जन्नत दिखाती है।